Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड के साथ मिलके गए थे डग गन बॉस के लॉस सैंटोस वाले सीक्रेट बेस पे, क्योंकि वहां पर उसके बहुत सारे टेररिस्ट हैं जो कि उसके ढेर सारे पैसों की सिक्योरिटी कर रहे हैं. तो हम लोगों ने उनको मार के उनका सारा पैसा तो वहां से चुरा लिया, और साथ के साथ वहां से हमें डग गन बॉस की जो सबसे सीक्रेट कार थी उसका भी मैप मिल गया, और हमने वो कार लिबर्टी सिटी आके उसकी सीक्रेट पार्किंग गैराज से चुरा डाली. अभी वो गाड़ी हमने संभाल के एक जगह पे खड़ी कर दिया है, और मैं भी अभी 2-3 दिन से लिबर्टी सिटी में ही हूँ, क्योंकि यार आप लोग को पता है कि इस टाइम पर अपने बहुत ज़्यादा दुश्मन हो चुके हैं. अगर हम लोग लॉस सैंटोस में जाएंगे तो हमें वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और अगर हम लोग घूमेंगे नॉर्थ एंगटन या फिर कायो पेरिको तो वहाँ पर तो अपना बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. इसलिए अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड ने बोला कि भैया तुम मेरे साथ लिबर्टी सिटी में ही रहो, क्योंकि यहाँ पर उसका राज चलता है और हम लोग बिल्कुल सेफ हैं. और अभी उसका मेन प्लान है कि डग गन बॉस को, एल रूबियो को और इन दोनों बंदों को मार के ना उसे लॉस सैंटोस पे, नॉर्थ एंगटन पे और कायो पेरिको पे, तीनों जगहों पे अपना कब्जा, अपना राज चाहिए. इसीलिए उसने हमें जेल से भी छुड़वाया था. फिलहाल हाँ ठीक है, अपने पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग उसके साथ काम करेंगे तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा ही तरक्की मिलने वाली है. मतलब कि यार देखो, ये ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है. लिबर्टी सिटी इतना बड़ा शहर है और यहाँ पे पूरा इसका कंट्रोल है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है. फिलहाल हाँ, इसके साथ रह रहे हैं तो इसके लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा. और आज मैं सुबह जल्दी उठ के ऐसे मॉर्निंग वॉक पे एक्सरसाइज वगैरह करने चला गया था. फिलहाल अभी थोड़ी सी साइकिलिंग कर रहा हूँ, बट अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है. उसने मुझे बोला है कि 2 गाड़ियाँ हैं, वो पहले मुझे शोरूम पर छोड़ कर आनी है. मतलब इनका यहाँ पर लिबर्टी सिटी में बहुत तगड़ा शोरूम है, और फिर वहाँ से 2 गाड़ियाँ उठानी है, किसी 2 बंदों को डिलीवर कर कर आनी है. तो एक बार ही मैं अपनी साइकिल आगे लेकर चलता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ कि आखिरकार इन तीनों भाइयों का घर कौन सा है. वैसे आप ये जो पूरा का पूरा एरिया देख पा रहे हो ना, ये पूरा एरिया ही इन तीनों भाइयों का है, क्योंकि यही तीनों लिबर्टी सिटी के सबसे तगड़े गैंगस्टर है. और सबसे अच्छी बात, ये तीनों मिलके रहते हैं, इसलिए कोई दूसरा गैंगस्टर यहाँ पर आने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि भाई ये तीनों फिर उस पक्का मार ही देते होंगे उसे. बाकी हाँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो आप राइट में घर देख पा रहे हो ना, ये बड़े वाला, ये सबसे राइट वाला बड़ा सा घर, ये घर इनके सबसे छोटे वाले भाई का है. वैसे मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, बट हाँ ये घर उसी का है, मुझे अच्छे से मालूम है. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ भी उसने अंदर खड़ी कर रखी है, और सिक्योरिटी भी लगा रखी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी. और ये जो आगे वाला घर है, ये अपने फ्रेंड का है जिससे हमारा गाड़ी का लेन देन होता रहता है, जिससे हमने वो शोरूम खरीदा था. और उसके जो आगे वाला घर है, ये इनके सबसे बड़े वाले भाई का है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है. वैसे उसने मुझे बोला था कि बड़े भाई के घर से कार उठानी है और शोरूम पे छोड़ कर आनी है, पर यहाँ पे तो काफ़ी सारी कार खड़ी है, कौन सी कार उठाऊँ? एक काम करता हूँ, इन्हीं के बॉडीगार्ड से मैं पूछ लेता हूँ कि कौन सी कार ले जाने के लिए बोला है. ओके गाइस, अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि अंदर बॉस बैठे हुए हैं, आप डायरेक्टली उनसे जाके बात कर लो. और मैं सोच रहा था कि यार सबसे बड़े वाले भाई का घर छोटा सा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबसे ज़्यादा तगड़ा घर मुझे इसी का लग रहा है. क्योंकि एक बार आप लोग यहाँ पे ग्राउंड देखो भाई, मतलब उनके घर में मिट्टी डली हुई है, पर इसके घर में काफ़ी ज़्यादा पुराने तगड़े पत्थरों से बना हुआ है. मतलब यार इनका घर थोड़ा पुराने डिज़ाइन का है, पर काफ़ी ज़्यादा लग्जरी मेंशन है भाई ये. अंदर से होगा, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट हाँ जरूर पक्का होएगा यार घर, इतना आखिरकार इनके पास पैसा है. फिलहाल पीछे की तरफ में यहाँ पर रेस्टोरेंट बना रखा है क्या इन लोगों ने? इतने सारे बंदे बैठे हुए हैं, शायद ये इनके बिजनेस पार्टनर्स होंगे, या फिर बिजनेस पार्टनर तो नहीं, शायद ये इनके ही बंदे होंगे जो घर पे ध्यान रखते होंगे. और वो बैठा भाई, उसका बड़ा भाई अपना पीछे धूप सेक रहा है भाई आराम से बैठ के. चलो कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से हम लोग चल के उससे बात करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी गाड़ी हमें शोरूम में लेके जानी है. और आप लोग ध्यान रखना, यही है वो बंदा जो कि लिबर्टी सिटी का सबसे बड़ा शोरूम चलाता है. ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि जो बाहर अपनी मैक्लारेन P1 खड़ी हुई है ना, वही तुम्हें मेरे शोरूम पे छोड़ के आनी है. और इन लोग का शोरूम मुझे मालूम है कहाँ पर है. आप लोग को याद होगा काफ़ी टाइम पहले हम लोगों ने रेड कलर की एक फैंटम लिमोजिन खरीदी थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी, वो हमने इसके शोरूम से ही खरीदी थी. वैसे वो हमने खरीदी नहीं थी, वो हमें एक टाइप से गिफ्ट मिली थी. तो ठीक है, अभी हमें उसी शोरूम पे इसकी कार रख कर आनी है, और वहाँ से 2 कार उठा कर ले जाना है डिलीवर करने के लिए,
चलते हैं भाई, आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि महंगी महंगी कारों के बीच हम लोग घूमेंगे, पूरा दिन एकदम मस्त जाएगा। फिलहाल हाँ यार, जल्दी से चलते हैं, टाइम अपने पास बहुत कम है। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा बारिश वाला मौसम हो रहा है भाई, और लिबर्टी ऐसी जगह भाई, यहाँ पर कभी भी बारिश और बर्फ वर्फ तो पड़ती ही रहती है, वो यहाँ पे नॉर्मल बात है। फिलहाल हाँ, जल्दी से चलते हैं। और वो जो आप सामने गाड़ी देख पा रहे हो ना, वही है अपनी मैक्लारेन P1। उसी गाड़ी को गाइस हमें लेकर जाना है, और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है मेरे को यार। एकदम आराम से ले जाकर, मतलब कि एकदम आराम से चला के ले जाना होगा, क्योंकि अगर गाड़ी हल्की फुल्की भी ठुकी ना तो उसका बिल हमारे नाम में कट जाएगा, ये बात की गारंटी मैं पूरी ले सकता हूँ। लेट्स गो, फटाफट से गाड़ी को बाहर निकालते हैं। वो भाई, गाड़ी का साउंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है यार, मेरे को ना थोड़ा बहुत अभी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदे हैं ना अपने लिबर्टी वाले, ये गाड़ी चलाते एकदम पागलों की तरह, और अगर किसी ने भी ठोकी ना तो भाई गंदा ही डेंट आएगा अपनी गाड़ी पे। यार मैं इस रास्ते से जाइन, ओ ट्रक वाले तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा पहले उतर के। ये देखो भाई, मैं गाड़ी मोड़ने लगा तो आगे का रास्ता ही पूरा खाली हो गया। ठीक है यार, रास्ता खाली हो गया, बस मैं एक बार ना ये वाले एरिया से निकल लूँ, फिर सीधा हाईवे पे भगाएंगे अपनी गाड़ी और जल्दी से पहुँचेंगे शोरूम पे। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है शोरूम, बस रास्ते थोड़े बहुत ना ट्रैफिक वाले हैं यहाँ पे पूरे, तो लेट्स गो। तो ओके गाइस, लेट्स गो। बिना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचने वाला हूँ सीधा शोरूम पे, और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, लिबर्टी सिटी की सड़कों पे कितना ज्यादा पानी फैला हुआ है, और इस पानी की वजह से ना भाई अपनी गाड़ी के जो टायर है वो इतना ज्यादा स्लाइड कर रहे हैं ना भाई, मतलब हल्की सी भी ड्रिफ्ट मारने की कोशिश करी तो पक्का है कि गाड़ी सामने वाली दीवार पे या किसी और की गाड़ी में जाके भिड़ेगी। बाकी हाँ यार, आप लोग एक बारी नज़ारे देखो भाई लिबर्टी सिटी के। फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर शोरूम पे पहुंच चुके हैं, बस मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है, बट मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी को ना थोड़ा सा घुमा के लाते हैं, क्योंकि यार काफ़ी टाइम बाद मैक्लारेन जैसी कोई कार मिली है चलाने के लिए, वो भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी में। तो हाँ, यहीं से यू टर्न ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चलाने वलाने के चक्कर में ना ठुक ठुक आ गई तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और इधर भाई कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता जल्दी, सब कोई क्योंकि जल्दी मचे पड़े रहते हैं। वो देखो आगे भी भाई के अंदर ट्रैफिक लगा हुआ है, भाई ट्रैफिक रूल फॉलो करोगे तो कम ट्रैफिक लगेगा, जल्दी पहुँचोगे अपनी डेस्टिनेशन पर। बट हाँ, अभी हम लोग भी पहुँचने वाले हैं, बस मुझे आगे वाले कट पर ही रोकना है, जहाँ तक मुझे याद अपना शोरूम। ओ भाई, कहाँ से ला रहे हैं ये लोग अपनी गाड़ियाँ भाई, इतना ज़्यादा बिजी है ना ये सिटी में, क्या बताऊँ। गाड़ी देख रहे हो कहाँ कहाँ से घुमा के आगे ले जानी पड़ रही है। ठीक है, ये मैं गलत आ गया क्या यार, शोरूम जहाँ तक मुझे याद है ये मैं शायद थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ, शोरूम पीछे वाले कट पे ही था, तो मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से शायद से लेफ्ट मोड़ना है। नहीं यार, ये भी नहीं है, मैं यार मुझे वहीं से, ओ वेट, मेरे को पहले निकाल लेने दे। वो ओके, तो ये तो रहा सामने शोरूम में, उल्टा खाली पीली घुमा के चला गया था। तो वहाँ गए, मुझे अपनी गाड़ी को भी अंदर लेकर जाना है, और यही है उन लोगों का, पूरी की पूरी जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, पूरी बिल्डिंग में उन्होंने गाड़ियाँ भर रखी है। तो मुझे अपनी गाड़ी को ना पीछे से घुमा के लाना पड़ेगा अंदर ले जाने के लिए, या फिर ओ तेरी भाई साहब, काफ़ी तगड़ी कार खड़ी हुई इधर। ठीक है, फिलहाल अभी वैसे मेरे को ना अपनी गाड़ी पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी इनके अपने खुद के बंदे अंदर कर लेंगे ना, मैं इनके शोरूम में ही ना साइड में पार्क कर देता हूँ। वेट, ठुकनी नीचे है, जा भाई जल्दी, क्या कर रहा है यार। ओके, तो हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देते हैं, फटाफट से भी हम लोग चलते हैं शोरूम के अंदर, और यहाँ से मैं एक गाड़ी उठानी है। अब उसे वैसे दो गाड़ियाँ मुझे डिलीवर करनी है, तो एक एक बार में गाड़ी लेकर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भाई सब लग रहा है बाहर कोई आया क्या, फोटो वोटो खींच रहा है। ठीक है भाई, इनके पूरे शोरूम में एक बार ही आप लोग देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, हर एक एक सीट पूरी भरी पड़ी है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी महंगी कार्स भी इन लोगों ने लगा रखी है। ठीक है, तो मैं भी इनसे बात करता हूँ, पता कर लेते हैं आखिरकार कौन सी कार मुझे यहाँ से लेकर जानी है डिलीवर करने के लिए, और कहाँ पर ले जानी है। ओके गाइस, तो भी मेरी इससे बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि हमें दो गाड़ी डिलीवर कर आनी है, एक है स्कामजेट और एक है ऑडी R8। दोनों ऊपर वाले फ्लोर से इन्होंने गाड़ियाँ बाहर निकाल दी है, और ये कह रहा है कि तुम एक काम करो, अपनी मैक्लारेन पीछे लेके जाओ, इसे भी ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ी कर देना, और गाड़ी ऊपर ले जाने के लिए हमें ना इस गाड़ी को पीछे वाले रास्ते से लाना होगा, जहाँ से मैं पहले ले जा रहा था खाली पीली में घुमा के इधर ले आया। और वो देखो भाई साहब जी, फोटो खींचने जा रहे हैं हमारी गाड़ी की। ठीक है, वैसे मुझे जहाँ तक पता है मुझे इस वाली गली से नहीं, इसके आगे वाली गली से अपनी गाड़ी को घुमा के पीछे ले जाना होगा। आराम से मैं यहाँ पर एक प्यारा सा टर्न लेता हूँ, और यही है गाइस वाला रोड जहाँ से मुझे अपनी गाड़ी को अंदर ले जाना है, और यहीं से अपनी गाड़ी जाएगी ऊपर वाले फ्लोर पे। ओके गाइस, तो फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से राइट मोड़ते हैं, और ये देखो यही है वो ट्रक जिसके अंदर दोनों की दोनों गाड़ियाँ लोड हो रखी है, ऑडी R8 और स्कामजेट। हमें इन्हीं दोनों गाड़ियों को डिलीवर करने के लिए जाना है। फिलहाल मैं अपनी
मैकलारेन P1 को यहीं पे पार्क कर देता हूँ, यहाँ के जो बंदे हैं वो शटर ओपन करके गाड़ी जो है अंदर शोरूम में ले जाएंगे। मतलब यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रास्ते बना रखे हैं। अगर गाड़ी ऊपर वाले फ्लोर पे ले जानी है तो पीछे से घुमा के लाओ, और अगर कोई गाड़ी बिकती है तो यहीं से एग्जिट भी हो जाएगी, और बाकी जो महंगी महंगी कार्स है वो नीचे वाले फ्लोर पे ही रखी हुई है। और आज ये जो दो गाड़ियाँ हैं भाई, ये दोनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। ग्रीन वाली ODR8 है और उसके नीचे स्कामजेट। ODR8 तो समझ लो हमने चला रखे एक बारी, बट स्कामजेट हम लोग आज भी नहीं चला पाएंगे क्योंकि हमें बस इसे डिलीवर करने के लिए जाना है, ट्रक से उतारनी है और उसके घर में छोड़नी है। बस इतनी देर के लिए ये गाड़ी हमें मिलने वाली है। ठीक है यार, कभी ना कभी तो हम लोग इसे चलाएंगे, बट अभी ना सबसे बड़ा चैलेंज अपने लिए ये है कि मुझे इस ट्रक से, भाई ये ट्रक कैसे निकलेगा भाई इस गली से बाहर, इतनी ज़्यादा पतली गली है। मैं डायरेक्ट मोड़ूंगा ना तो पक्का ये ठुकेगा। एक काम करता हूँ, आगे से रास्ता, ओ भाई आगे वाला रास्ता भी बंद हो रखा है। चलो कोई नहीं, यहाँ से अपना ट्रक ना मोड़ने की काम आ जाएगा। तो भी आराम आराम से हम लोग अपने ट्रक को बैक लेते हैं और धीरे धीरे टर्न मारना है। यार ये इतना महंगा शोरूम बना दिया है, कोई ढंग की जगह ही ले लेते। बट हाँ यार, लिबर्टी में इतनी सी जगह भी मिलना बहुत बड़ी बात है। ओके गाइस, तो बिना फिलहाल जैसे तैसे करके मैंने अपने ट्रक को इस पतली सी गली से बाहर निकाल लिया है। अच्छा खासा निकल रहा था और जाते जाते ठुकी गया और लेफ्ट साइड में हल्का सा डेंट आ गया। ठीक है यार, फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। बिना फटाफट से हम लोग अपने ट्रक को लेकर चलते हैं गाड़ियाँ डिलीवर करने के लिए। और ये जो ऊपर आप ग्रीन वाली कार देख पा रहे हो ना भाई, इस कार को देख के तो ऐसे लग रहा है कि अगर गलती से भी अपना ट्रक ठुका ना तो एक गाड़ी नीचे आ जाएगी सीधा। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इन लोग को काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है भाई गाड़ी डिलीवर वगैरह करने का, तो उम्मीद है इन्होंने गाड़ी अच्छे से लोड करवाई होगी। और वेट, मैं थोड़ा सा रॉन्ग वे आ गया, मुझे जाना तो सीधा ही है पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर एकदम बढ़िया रास्ते से जाएंगे ना जहाँ पे ट्रैफिक कम मिले वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ के बंदे पगला गए हैं क्या भाई, कहाँ गाड़ियाँ ले चले जाके ठोक, भाई मेरे को निकलने दो। इसमें किसी ने गाड़ी ठोकी ना तो उसमें मैं बंदूक ठोक दूंगा सीधा। वेट वेट वेट, और टैक्सी भाई देख रहे हुए क्या कर रहे हैं, हाईवे बना रखा है भाई नॉर्मल से रोड को। तो हाँ इसी नहीं, ये वाला रास्ता आगे से शायद बंद हो रखा है जहाँ तक मुझे लग रहा है। आगे वाली कट से गाइस अपने ट्रैक को हम लोग लेफ्ट मोड़ते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं उस मैंशन पे, हमें किसी बहुत बड़े किसी अमीर बंदे के घर पे ये जो ऊपर ग्रीन वाली कार है ना इसको डिलीवर करने के लिए जाना है। और यहाँ पर फाइनली हम लोग के एक बढ़िया रास्ते पे आ चुके हैं और इधर भी कुछ कम ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा ही ट्रैफिक है। और ये बस वाले को देखो भाई, रेस लगा रहा है हमसे। ठीक है भाई, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें पहुँचने में, जल्दी से पहुँचते हैं। वैसे गाइस लिबर्टी सिटी में ना ड्राइविंग का एक अलग ही मजा है। यहाँ पर पतली पतली स्ट्रीट्स पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और जल्दबाजी में उस ट्रैफिक के बीच में कटिंग मारने में तो और भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे मैंने अभी किया। फिलहाल हाँ यार, अभी ना थोड़ा धीरे ड्राइव करते हैं क्योंकि मैं अभी हाईवे पर पहुँच चुका हूँ और अभी हम लोग अपने ट्रक को लेकर उस मेंशन पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पर मुझे इस ग्रीन ODR8 को डिलीवर करना है। तो जो लोकेशन मुझे मिली है ना, मेरे को यार देखो यहाँ के ना अच्छे से रास्ते बिल्कुल नहीं मालूम, और शॉर्टकट मारने के लिए देखो भाई बंदे कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ गुजेड़ गुजेड़ के ला रहे हैं। ठीक है यार, वैसे मेरे को ना एकदम आगे को ही जाना है, वो जो आप देख पा रहे हो ना वो एरिया जहाँ पे वो फेरिस व्हील लगा हुआ है उसी के पहले कोई मेंशन है जहाँ, ओके उस मेंशन पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये देखो सामने हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ा मेंशन है, तो लेकिन मैं अंदर कहाँ से जाऊँगा यार यहाँ पर। तो भाई तू पहले चले जा, ले तू जा भाई, तू हॉर्न मत बजा यहाँ पर खड़े होकर, ठीक है ना। एक मिनट के लिए ट्रक रोका नहीं, हॉर्न मारना शुरू। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अपना ट्रक यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा यार, ये बैरियर लगा रखे हैं। बट ओके ये रहा रास्ता, ठीक है। मैं काफ़ी देर से परेशान हो रहा हूँ, रास्ता इन्होंने यहाँ पर बना रखा है पर यहाँ से तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतनी गाड़ियाँ तो अंदर मेंशन में है भी नहीं। मुझे यार देखो अंदर जाने का जो रास्ता है ना वो यही वाला है, बट इधर तो बैरिकेड लगे हुए हैं। अच्छा घुमा के लानी है क्या आगे से, ठीक है। इतना बढ़िया मेंशन बना रखा है इस बंदे ने पर कोई ढंग की एंट्रेंस नहीं बनवाई, तो मेरे को यहाँ से अपने ट्रक को ना भी प्यार से मोड़ना पड़ेगा। और ये एक फुटपाथ है भाई, क्या यार ये कहाँ से ले जाना पड़ रहा है ट्रक। भाई देखो उठना मत किसी के पैर वैर पर, ये देखो इसको जल्दबाजी मच रही है भाई, एक हाथ बंदे के पैर पर चढ़ जाएगा मेरा ट्रक आज। ओ हेलो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, अंधा है क्या ये, अच्छा खासा ट्रक ले जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा भाई। यार आज ना एक आध बंदा इस ट्रक से ठुक के ही जाएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। मैं चुपचाप यहाँ से लाना चाह रहा था बट इन लोगों ने ड्रामे कर दिए। शायद ऐसा सीन होगा कि वाले जो बैरिकेड है ना ये खुलते भी हैं, मीन्स ये जमीन पे चले जाते होंगे जब कोई गाड़ी वगैरह अंदर लानी होगी, बट मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं तो मैं किसे कॉल करूँ। और अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को, मीन्स अपने ट्रक को लेकर उस मेंशन पे पहुँच चुका हूँ
और इधर काफी सारी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर खड़े हो रखे हैं। पहले एक बार ना चल के इनके बॉडीगार्ड से बात कर लेते हैं कि आखिरकार गाड़ी उतरवानी कहाँ पे है। अगर अंदर उतारनी है तो मैं गाड़ी अंदर भी ले जाऊंगा, शायद सामने वो गैराज ही है, पर ना तो मैं बाहर छोड़ दूंगा, ज्यादा बेटर है। ओके गाइस, तो बिना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि एक काम करो, अपने ट्रक को अंदर ही लेके चले जाओ, वहीं पे गाड़ी भी उतार देना और अंदर से ही पेमेंट भी ले लेना कार की, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है यार, फटाफट से हम लोग अपने ट्रक में बैठते हैं। हमें कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा भाई, हम एक्सपर्ट हैं सब चीजों में। फटाफट से अपने ट्रक को मोड़ते हैं और जल्दी से अंदर लेकर चलते हैं, एकदम आराम आराम से ले जाना होगा। पता चला किसी और गाड़ी में ठोक दिया तो और लेने के देने पड़े। अंदर जा भी पाएगा? ये घर तो काफी ज्यादा बड़ा है, पर ऐसा ना हो कि गाड़ी ठुक जाए यार पीछे को। रुक जाओ, नहीं नहीं, गई 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 गई, ओके गिरनी नहीं चाहिए। लेट्स गो, अभी हम लोग एकदम आराम से अपने ट्रक को गाड़ी के साथ अंदर लेकर आ चुके हैं और भाई बिल्कुल टच हो रही है ऊपर वाले फ्लोर से अपनी गाड़ी। ठीक है यार, अभी हम लोग अपने ट्रक से उतरते हैं और पीछे भी शायद कोई। भाई यहाँ पर तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन चल रही है तगड़ी तगड़ी। ये देखो, यहाँ पर ये गाड़ी भी लगी हुई है मॉडिफिकेशन के लिए, सामने वो गाड़ी भी है। अभी फिलहाल हमें इसे उतारना है और पहले रैंप नीचे करना पड़ेगा मेरे को। ओके गाइस लेट्स गो, तो भी मैंने इस ट्रक का टॉप रैंप डाउन कर दिया है, अब अपनी गाड़ी इसमें से आराम से उतर जाएगी। तो ये हम लोग आ चुके हैं इस गाड़ी में, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को धीरे धीरे करके पीछे ले आ चुके हैं, बट पीछे एक कार और खड़ी है, इसीलिए मैं काम करता हूँ इसको ना साइड में उतार के यहाँ पे लगा देते हैं और अब पेमेंट लेके चलते हैं हम लोग यहाँ से दूसरी वाली गाड़ी डिलीवर करने के लिए। काफी काम है भाई आज अपने पास। तो गाइस अभी ना मुझे अपनी गाड़ी की पेमेंट तो मिल चुकी है और ये बॉडी गार्ड पेमेंट देने के लिए मुझे अपने वॉल्ट के अंदर ही ले आया और कसम से यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है भाई। गैराज में ही वॉल्ट बना रखा है, यानी इसका डेली गाड़ी खरीदना बेचना लगा ही रहता होगा। फिलहाल जल्दी से हम लोग ट्रक में बैठते हैं और इस रैंप को वापस से ऊपर करके क्लोज कर देते हैं और जल्दी से अपनी दूसरी गाड़ी को डिलीवर करने चलते हैं दूसरे मेंशन पे। तो रैंप हो चुका है क्लोज, अभी फटाफट से हम लोग अपने ट्रक को इस गैराज से बाहर निकाल लेते हैं, वो भी फुल स्पीड में। वेट, ये कुछ ज्यादा ही फुल स्पीड हो गई और गलती से मैंने सामने वाले की गाड़ी ठोक दी। और अच्छी बात तो यह है कि इसके बॉडी गार्ड ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, शायद इनके लिए नॉर्मल बात हो गया ऐसी छोटी मोटी गाड़ी टूट जाना। बट हाँ यार, अभी मेरे को संभल के चलाना होगा। अच्छी बात तो यह कि पीछे वाली गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, आगे वाली एक बार को टूट भी जाती चल जाता, बट पीछे वाली जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जिस रास्ते से हम लोग अपने ट्रक को लेकर आए हैं इसी रास्ते से पहले ना सेफली बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अभी हम लोग फटाफट से भगाते हुए जाने वाले हैं दूसरी लोकेशन पे। ये वाली जगह तो पास में ही थी बट नेक्स्ट लोकेशन शायद थोड़ी दूर है, इससे दूर क्या ही होगी, ट्रैफिक की टेंशन है यहाँ तो। तो गाइस बीच रास्ते में मुझे एक कार वॉश की शॉप मिल गई थी और यहाँ से मैंने अपने ट्रक को वॉश करवा लिया है और अभी फिलहाल हम लोग उस सेकेंड लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं अपनी गाड़ी को लेकर, जहाँ पे मुझे इसे डिलीवर करना है। तो फटाफट वाले कट से हम लोग अपनी गाड़ी को राइट मोड़ लेते हैं और काफी ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि ये तो जगह है ना मेरे को बिल्कुल भी लिबर्टी सिटी लगी नहीं रही है, क्योंकि भाई हो ही नहीं सकता कि लिबर्टी सिटी में ट्रैफिक ना मिले, पर आज तो भाई बिल्कुल एकदम सारे के सारे रोड पूरे खाली नजर आ रहे हैं। बट हाँ यार, मैं थोड़ा सा गलत आ गया। ओके, इस वाले कट से मुझे अपनी गाड़ी को राइट लेकर चलना है। इसी एरिया में ना दो बहुत बड़े बड़े घर हैं, उसमें से राइट वाले घर पर वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं जिन्हें मुझे गाड़ी डिलीवर करनी है, फटाफट से करते हैं और हम लोग भी आज का जो दिन का काम है उसे खत्म करके चलेंगे सोने। ओ भाई, इसकी ऐसे कितने कैसे चला रही है गाड़ी। तो गाइस जहां तक मुझे लग रहा है वो घर यही वाला है जहां पे मुझे अपनी गाड़ी डिलीवर करनी है, बट इस घर के बाहर तो कोई भी मेरा वेट नहीं कर रहा है। मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा था कि वो लोग अपने घर के बाहर ही हमारा वेट कर रहे हैं और शायद से ये है वो वाला घर, क्योंकि यहाँ पर बंदे भी खड़े हुए हैं गेट के बाहर। ठीक है, बट यार एक सेकेंड, वो जो गाड़ी राइट साइड में लगी है थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी कार नहीं लग रही उतरी। सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, इस बारी मेरी गलती थी। हाँ, तो भी फटाफट से हम लोग अपने ट्रक को ना अंदर लेकर चलते हैं। ओ भाई साहब, इसके पास तो काफी ज्यादा तगड़ी तगड़ी सुपर कार है, एकदम पुराना सा घर है पर गाड़ियां नई से नई मंगवा रहा है बंदा। ठीक है यार, अभी फटाफट हम लोग अपने ट्रक से बाहर निकलते हैं और जल्दी। ओ वेट, मैंने अपनी गन क्यों ले रखी है हाथ में, सॉरी। मैं भी जल्दी से चलकर इनको बताता हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारी गाड़ी आ गई है, शायद से वो जो सामने बंदा खड़ा हुआ है वही इस घर का मालिक है। जल्दी से चलकर हम लोग इससे बात करते हैं और बता देते हैं गाड़ी आ गई और पेमेंट लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि पहले ना तुम अपनी गाड़ी लाकर मुझे पूरी टेस्ट करा दो, उसके बाद हम लोग तुम्हें गाड़ी की पेमेंट करेंगे। वैसे यार जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेने चलते हैं, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार देखो वो वाली जो गाड़ी है ना वो अपनी मिलिट्री कर्नल वाली कार नहीं है जो हमने बैनी से मॉडिफाई करवा के मिलिट्री कर्नल को गिफ्ट करी थी और वो हमारे घर से चोरी हो चुकी है। कहीं इसने तो वो गाड़ी चोरी नहीं करवाई? वो गाड़ी, वो देखो भाई, वो लेकर जा रहा है कोई बंदा। भाई वेट,
वो पक्का अपनी गाड़ी है क्योंकि उसमें आगे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं इसकी, ऐसी की तैसी। इसको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे वो गाड़ी चाहिए। अभी इसकी गाड़ी हम लोग इसे बाद में देंगे, पहले हम लोग ना इसको लेकर चलते हैं उस बंदे को रोकने के लिए। वो गाड़ी सीधी सीधी लेकर ना, ओके वो देखो उरी सामने वाली गली में, हटो तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो मेरी गाड़ी लेकर भाग रहा है। अब पता नहीं वो, अबे यार ये क्या ड्राइविंग कर रहे हैं, अंधे हैं क्या? वो लेफ्ट मुड़े या राइट मुड़े मुझे को, ओके वो जा रही है उसकी गाड़ी, मुझे जल्दी से उसे रोकना पड़ेगा। बट ऐसे नहीं, अभी मैं इसके घर के पास रहूँगा ना तो इसके बॉडी गार्ड्स मुझे लपेट के भर देंगे। पहले इसको देखते हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है कि ये जो बंदा है ना, ये हमें देख के अपनी गाड़ी भगा रहा है ताकि हम लोग इसकी गाड़ी पहचान। भाई साहब 100% ये अपनी गाड़ी, और इस गाड़ी को बैनी ने मॉडिफाई करा था। आप लोग को याद होगा मिलिट्री करने ने हमें बोला था कि मेरे को एक स्पेशल कार चाहिए मिलिट्री के लिए, पूरी बुलेट प्रूफ, और ये वही कार है। इसके ऊपर सायरन भी वही वाला लगा हुआ है, फ्लैग भी वही है। गाड़ी का कलर तो मैं एक बार को मान सकता था कि कोई और गाड़ी है जो सेम हो सकती है, पर फ्लैग सायरन सब कुछ नहीं हो सकता। और वो देखो वो बंदा अपनी गाड़ी कहीं तो भगाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो गाड़ी है ना भाई इसके अंदर बहुत तगड़ी गन्स भी, कहाँ जा रहा है भाई, बहुत तेज भगा रहा है वो तो। तो गाइस देखो अभी ना मुझे कुछ भी करके इस बंदे को अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। ये अपनी गाड़ी को हाईवे पे लेकर जा रहा है, और इसके पास ये बहुत ज्यादा बेस्ट मौका भागने का, पर मैं इसको भागने नहीं दूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी में बूस्ट लगा हुआ है और इसकी भी गाड़ी कोई कम नहीं है। ओ भाई एक सेकेंड, काफी ज्यादा गंदी टक्कर लगी है, अपनी गाड़ी का पीछे वाला टायर थोड़ा सा ना टेढ़ा हो गया है। और वो देखो भाई उसकी गाड़ी की स्पीड कसम से बहुत ज्यादा है, उसने आगे से ले जाके अपनी गाड़ी मोड़ लिया, जो तीरी ऐसी की तैसी। अभी इसके पड़ेगी रख रख के बुलेट, गाड़ी फोड़ दूंगा पर मैं इसके हाथों नहीं लगने दूंगा क्योंकि भाई ये इतनी ज्यादा महंगी कार है। मुझे पता है भाई इस कार को हम लोग कहाँ से लेकर आए थे, भाई क्या ही बोलूँ, वो बाद की स्टोरी तीरी ऐसी। रुक तेरी भैंस की, ओ रुक यार, उसको रोकने के चक्कर में मैं बिल्कुल टेढ़ा चला गया। वो बंदा गोली भी मार रहा है गाड़ी के अंदर से बैठे बैठे, रुक जाओ इसको अपना जाने दो। ओ तेरी यार, वो उसने ब्रिज पे निकाली अपनी गाड़ी, और ये वाला जो ब्रिज है ये तो यार पूरा लॉक पड़ा है ना इसको, मेरे को रुक जाओ मेरे को साइड से अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम लोग अपनी गाड़ी को ना यहाँ से निकाल सकते हैं, बट मैं आगे से, ओके भाई साहब ये तो सच्ची में काफी ज्यादा ही हैवी ड्राइवर है, अपनी गाड़ी को यहाँ से घुमा के ले गया, पर मेरी गाड़ी भाई यहाँ से नहीं घूम पाएगी। और जो बीच वाले बैरिकेड है ना, ओके निकल गई, लेट्स गो, अभी तो मैं इसको किसी भी कीमत पे ना भागने नहीं दूंगा। और उसने सामने वाले फ्लाईओवर से अपनी गाड़ी जंप करा ली, मैंने भी अपनी गाड़ी जंप करा ली, बट अपनी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही गलत जंप मार गई। और अभी तो भाई वो ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं, मैं नीचे वाले फ्लोर पर हूँ, अब तो भैया वो दिखने भी नहीं वाला। अरे यार ये गाड़ी के चक्कर में ना हम लोग भी मतलब फंस गए यार, पता नहीं वो कहाँ निकल जाएगा यार, ये बहुत गलत सीन हुआ है। यहाँ पर सीढ़ियाँ, वेट यहाँ से अगर अपनी गाड़ी ऊपर चलेगी ना तो अपना काम हो जाएगा। वेट मैं आप बूस्टर मार देता हूँ, बूस्टर भी वेस्ट हो गया। और ये गाड़ी जो है धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रही है और नहीं चढ़ पाई यार, पूरी गाड़ी हाथ में आके भी हमारे हाथ से निकल के। रुक जाओ मैं काम करता हूँ, वापस से ना अपनी गाड़ी को राइट मोड़ के लेकर जाता हूँ, क्या पता हमें वो गाड़ी मिल जाए। वेट यार अगर मिल गई ना भाई अपने मजे आ जाएंगे, बट नहीं, इतनी बड़ी सिटी इतने बड़े शहर में छोटी सी मिस्टेक, देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा भारी पड़ रही है, वो गाड़ी कहाँ चलेगी कोई आइडिया नहीं। और अभी मेरे को यही नहीं समझ आ रहा मैं इस गाड़ी को लेकर रोड पे, ओके यहाँ से चले जाऊँगा, पर ये चढ़ भी तो नहीं पाएगी ना यार, इससे बढ़िया तो मैं एक एसयूवी चला लेता भाई। यार अपनी किस्मत एकदम खराब है, गाड़ी हमारे हाथों में आके हमारे हाथ से निकल गई, हटा ले इसको, काश मैंने उस फ्लाईओवर से अपनी गाड़ी को जंप नहीं कराया होता। बड़ा यार फिर भी कोई फायदा थोड़ी होता, क्योंकि यार उसकी जंप एकदम परफेक्ट हुई थी। वैसे सही बताऊं तो यार वो लिबर्टी सिटी का ना हैवी ड्राइवर था भाई, इतनी ज़्यादा भारी गाड़ी को फ्लाईओवर से कुदाता हुआ ले गया भाई, और पता भी नहीं चला। और हमारे पास एक सुपर से भी ऊपर कार थी, फिर भी हम लोग उसे नहीं पकड़ पाए। अब ये गाड़ी ना मैं उसको डिलीवर करने वापस नहीं जा रहा, और वो बंदे के ना घर जाके तो मैं पहले उसे वेट उसके घर जाके ना पहले मैं उसे पीटूंगा, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना उसी ने हमसे चोरी करवाई है, आज वो हमारे हाथों से नहीं बचने वाला। वेट भाई अभी गंदा ही एक्सीडेंट हो जाता यार, सही है गाड़ी पानी में नहीं गई मैं भाई, रुक जाओ ज़्यादा ही रेज हो रहा है, थोड़ा सा आराम से शांतिपूर्वक इस गाड़ी को ना चला के लेके चलते हैं, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो गाइस देखो अभी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, और मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर उस बंदे के घर उसको मारने के लिए जा ही रहा था जिसने अपनी मिलिट्री कर्नल वाली कार अपने घर से चोरी करवाई थी, बट बीच रास्ते में हुआ है कि अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड को मालूम पड़ गया कि हमने गाड़ी डिलीवर नहीं करी है,
उल्टा इस गाड़ी को तोड़ डाला है और इसको लेकर हम लोग पूरे शहर में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उसको ये बात नहीं मालूम कि हम लोग अपनी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। बट अभी सीन ये हुआ है कि उसने हमें साफ साफ बोल दिया कि तुम फटाफट से एक काम करो, इस गाड़ी को ले जाके स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा करो और फटाफट से लॉस सैंटोस निकलो। अब वो हमें भगा नहीं रहा, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए वहाँ पर भेज रहा है, क्योंकि इनका जो लॉस सैंटोस वाला फरारी शोरूम है वहाँ पर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया है और वो सारी की सारी गाड़ियाँ चुराने के लिए आए हैं। इसीलिए इसने हमें यहाँ पर भेजा है, कह रहा है कि तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर वहाँ पर खड़ा है और ये काम तुम ही कर सकते हो, तो अभी हमें जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो, चलते हैं। वैसे हाँ यार, वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि भाई वहाँ पर मिनी मद्राजो शायद से अभी भी अपना दुश्मन है। हो सकता है डगन बॉस या एलरूबियो के टेररिस्ट अभी भी वहाँ पर घूम रहे हो, बट कोई नहीं, हम लोग अपना काम करके तुरंत वापस लिबर्टी सिटी आ जाएंगे। ओके गाइस, लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मैं अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लॉस सैंटोस। वैसे मैं सोच रहा था कि डायरेक्टली हम लोग उस फरारी के शोरूम पे चलते हैं जहाँ पे गुंडों ने अटैक करा है, बट अभी मुझे याद आया कि अपने पास तो बिल्कुल भी वेपन्स ही नहीं है, ना ही आर्मर है। इसीलिए गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के घर पे, क्योंकि मुझे वेपन्स तो चाहिए ही, बट साथ के साथ एक बात मुझे और क्लियर करनी है कि लास्ट टाइम वो डगन बॉस के सीक्रेट बेस पे क्या कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं उससे जाके बात करूँगा, बट प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पर एक नहीं दो दो लेस्टर थे, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई और इतनी देर में बाहर से वो टेररिस्ट आ गए और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। इसीलिए भाई अभी मैं डायरेक्टली सीधा इसके घर पर आ गया हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और इसने इसके घर के पीछे हेलीपैड हुआ करता था, वो कहाँ चला गया। छोड़ो यार, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसके सामने वाले जो बंदे की घर की छत है ना, यहीं पर अपना हेलीकॉप्टर हम लोग फटाफट से लैंड कराते हैं। प्लीज़ गलत लैंडिंग नहीं, ओ तेरी भैंस की टांग, ये कहाँ चला गया। रुको 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 भाई, अभी बहुत गंदा क्रैश हो सकता था, बट हाँ अभी हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लैंडिंग करा दी है। जल्दी से हम लोग अपने हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं। इस बेचारे का एंटीना आज टीवी नहीं देख पाएगा ये, यार छोड़ो भाड़ में जाए, उसका टीवी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने लिए अपने इंपॉर्टेंट लेसर से बात करना है। तो फटाफट से अभी हम लोग जल्दी से इसके घर में चलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। पीछे की साइड में कोई डॉग बहुत तेज से भौंक रहा है और एक सेकेंड, ये गेट यहाँ पे लॉक हो रखा है, रुक जाओ, क्या पता लेस्टर सीसीटीवी में देख के इस गेट को ओपन करे। तो गाइस अभी ना मुझे लेस्टर के घर के बाहर खड़े होकर वेट करते करते काफी ज्यादा देर हो चुकी है और ये है कि गेट खोलने का नाम ले ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यार ये घर पे ही नहीं है और मैं खाली पीली इसके घर के बाहर खड़े होकर इसका डोर नॉक कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये अभी भी डगन बॉस के सीक्रेट बेस में ही हो। और एक बार इसके घर का कारपेट देखना, ये भी नॉट वेलकम लगा हुआ है। ये कारपेट इसने पहले से रखा हुआ है, ये अभी रिसेंटली रख कर गया है। खैर छोड़ो यार, अभी अपने पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ना जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा फरारी के शोरूम पे, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो गए तो सीधी सी बात है अपनी यहाँ पर आने का कोई फायदा ही नहीं होगा, वो सारी गाड़ी चुरा के यहाँ से भाग जाएंगे। यहाँ पर एक गाड़ी है, बे यार ये गाड़ी भी लॉक हो रखी है, रुक जाओ भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी मिली थी। पर हाँ, यहाँ पर एक सस्ती सी गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ी भी लॉक है, इसका तो शीशा ही तोड़ के हम लोग इसे लेकर चलते हैं। अभी जल्दी से ना गाइस, मैं डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एम्युनिशन की शॉप पे जाऊँ, बट वहाँ से हमें तगड़ा आर्मर नहीं मिल पाएगा। एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग अपने मेंशन पे चलते हैं, अपने घर पे, वहाँ पर अपने पास काफ़ी सारी गन्स भी पड़ी हुई है और कुछ बढ़िया बढ़िया आर्मर्स भी हैं, वो वहाँ से उठाएंगे। उसके बाद हम लोग सीधा जाने वाले हैं उस जगह पे जहाँ पर उन खतरनाक गुंडों ने अटैक करा है। मैं ड्राइवर को भी फ़ोन कर देता हूँ, वो भी अगर आ जाएगा तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। गाइस ये जो गाड़ी है ना, बस दिखने में छोटी है, इसको मैं बहुत तेज भगाता हुआ अपने घर पे लेकर पहुंचने वाला हूँ। इस गाड़ी के कंट्रोल्स काफी ज्यादा एपिक है, ये देखो कहीं से भी प्यार से निकल जाती है। और अभी फिलहाल हम लोग अपने घर पर पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से एक काम करता हूं, अपनी गाड़ी को ना मैं पीछे गैराज में खड़े करता हूं और जल्दी से चलकर जो अपने पास एक्स्ट्रा इमरजेंसी वेपन्स मैंने छुपा के अपने घर में रखे हुए थे उनको लेकर अभी मैं जाने वाला हूं उस जगह पे जहां पर भाई सारे के सारे गुंडों ने अटैक करा फरारी के शोरूम पे। वैसे गाइस मैंने ना आप लोग को भी आज तक अपने घर का सीक्रेट बेस नहीं दिखाया है, बट यार एक सेकेंड, ये अपने घर का गेट खुल क्यों नहीं रहा है, अंदर से लॉक कर दिया क्या किसी ने। एक मिनट रुक जाओ, अभी इस पे एक रख के लात पड़ेगी तब ये वाला जो गेट है खुलने वाला है। वैसे यहां जहां तक है अनलॉक हो चुका है, अब मैं इसे खोलता हूं और एक सेकेंड, भाई साहब अपने घर में ये इतने सारे ब्लैक ऑप सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, पूरे सारे के सारे मरे हुए हैं। ओके तो मुझे क्या लग रहा है कि वो जो अपना दोस्त है ना मिनी मद्राजो, जिसने हमें ये घर गिफ्ट करा था, ये काम उसी का है, उसने हमें मरवाने के लिए अपने गुंडे यहाँ पर भेजे थे। अपनी गन में पहले बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी यहाँ पर कोई ना कोई जिंदा हो। बट इन सबको यार मारा किसने,
यहाँ पर सारे के सारे इतनी ज्यादा खतर, मरने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे ना? नहीं यार, यहाँ पर हर एक सोल्जर के भाई बहुत गंदी तरह पड़ी हुई है, और अपना जो गार्डनर था भाई इसको भी इन लोगों ने मार डाला है बहुत गंदी तरह। पर मैं नहीं मान सकता कि यार अपना गार्डनर अकेले इतने सारे बॉडीगार्ड्स को डाउन कर दे, उस बेचारे के पास तो गन तक नहीं है। यहाँ पे काफी सारा ब्लड गिरा हुआ है और ये ब्लड जा रहा है अपने सीक्रेट बेस के अंदर। एक मिनट रुक जाओ भाई, अपने बाथरूम में कोई है शायद से, गेट यहाँ का खुला हुआ है बट हाँ अंदर की तरफ में तो कोई भी नहीं है। भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा ही गलत सीन हुआ है, ये हमें मारने तो आए थे पर ये सारे के सारे मरे कैसे, वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है। एक बारी मैं एक काम करता हूँ, अपने आगे वाले रूम में चल कर देखता हूँ, क्या पता वहाँ पर कोई ना कोई बच्चा हो या फिर छुप के बैठा हो। यहाँ पर भी कोई नहीं है, दो तीन बॉडी गार्ड है, ये भी सारे मारे जा चुके हैं। वेट यार, मुझे ना गाइज अपने सीक्रेट बेस में इस टाइम जाना ही होगा जहाँ पर मैंने अपनी सारी गन्स छुपा के रखी है। पहले मैं बढ़िया बढ़िया गन्स ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई क्या सीन है। वैसे यहाँ पर ना काफ़ी सारा ब्लड इधर को क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी को मार के घसीट के अंदर ले जाया गया हो। गेट मैं ओपन करके अंदर एक बार ही चलता हूँ, यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी नहीं है और ये काफी ज्यादा सीक्रेट था, इसमें मैं खुद दूसरी बार जा रहा हूँ, मैं बस एक बारी पहले वेपन्स रखने गया था। तो गाइस देखो, मुझे ना नीचे से कुछ ना कुछ तो जलने की आवाज आ रही है, फटाफट से सारी सीढ़ियां उतर के नीचे चलते हैं। और ये देखो भाई, अपने घर के सीक्रेट बेस में भी चारों तरफ ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है। भाई इधर सच्ची में बहुत ज्यादा ही गलत सीन हुआ है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं घर में था ही नहीं तो ये सब कैसे हो गया। ओ भाई एक सेकेंड यार, ये तो अपना हस्की है और इन सभी टेररिस्ट ने लग रहा है इसे मिलके मार दिया है, क्योंकि ये लोग मेरे को मारने के लिए यहाँ पर आया था और इन्हें मैं तो मिला नहीं, और शायद से ये हस्की उनको काट रहा होगा क्योंकि ये लोग अपने घर के नहीं है, डिफेंड कर रहा था। बट यार मेरे को लगता है कि इन लोगों ने इसे मार डाला, पर इन लोगों को किसने मार डाला यही चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है। भाई मैं इतना घूम चुका हूँ भाई पर कुछ नहीं समझ आ रहा। यहाँ पर अपना एक और रूम है जहाँ पर अपने सारे सीक्रेट वेपन्स रखे थे, और भाई ये देखो वो लोग मेरे सारी के सारी गन्स भी इसके अंदर से निकाल के ले गए हैं। यहाँ पर 5 से 6 गन्स थी वो सारी ले गए हैं, बट कोई बात नहीं, अपने पास इस बॉक्सेस के अंदर काफ़ी सारी गन और उसकी एमो पड़ी हुई है, तो यहाँ से अपना जुगाड़ हो जाएगा। मुझे यार जल्दी से जल्दी उस डीलरशिप पे पहुँचना तो है, बट ये क्या सीन हो गया मुझे कुछ नहीं मालूम। और एक सेकेंड, ट्रेवर यहाँ पे, ट्रेवर क्या कर रहा है? और इसको भाई साहब पूरा ऊपर लटका के नीचे आग लगा रखी है, ये यहाँ पर आया कैसे मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। पहले मुझे इसे नीचे उतारना होगा, फिर इसी से क्लियर करते हैं पूरा सीन। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने ट्रेवर को इस टायर पे से उतार के वहां पीछे बैठा दिया है, और अगर हम लोग यहाँ पर आने पे थोड़ी सी भी देर और कर देते ना तो शायद ट्रेवर आज जिंदा नहीं बचता, क्योंकि इस फायर के स्मोक की वजह से उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। बाकी हाँ अभी ना इसके थ्रू हमें ये मालूम पड़ चुका है कि आखिर हमारे घर में यहाँ पे ये सब क्या हुआ है। तो ये कह रहा है कि ये ना सुबह बस अपनी गाड़ी लेके यहाँ से जा रहा था और उसने देखा कि कुछ टेररिस्ट, कुछ ब्लैक कॉप्स सोल्जर गन्स लेकर हमारे घर में घुस रहे हैं, उनके पास काफ़ी सारे बॉम्ब्स थे, तो इसको लगा कि ये लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं और ये हमारी सेफ्टी के लिए घर में आ गया। पर इसने घर में आके देखा कि वो लोग हमारे गार्डनर को, हमारे डॉग को मार रहे हैं, और उसके बाद मालूम नहीं थी कि हम घर में ही नहीं है, ये हमें बचाने के लिए उनको मारने लगा। इसने काफ़ी सारे ब्लैक ऑप सोल्जर को मारा, बट उसके बाद उनमें से कुछ इतने डेंजरस थे जिन्होंने इसे पकड़ के यहाँ पर किडनैप कर दिया, और अभी वो लोग हमें ढूंढने के लिए पूरे शहर में फैल चुके हैं। और ट्रेवर कह रहा है कि हमें ना यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो लोग शायद से थोड़ी देर बाद यहाँ पे वापस आने वाले हैं, हमारे वेट में कि हम लोग अपने घर पर वापस आए या फिर नहीं। तो भी ट्रेवर को थोड़ी सी सांस वांस लेने देते हैं, उसके बाद ना हम लोग यहाँ से तुरंत निकलने वाले। मैं ऊपर क्या करने आया हूँ भाई, जल्दी से अभी के भी ट्रेवर को उठाते हैं, गन्स लेते हैं और जल्दी से हम लोग चलते हैं फरारी वाले शोरूम पे। ट्रेवर को भले ही फाइट नहीं करवाएंगे बट हाँ वहां पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़े बहुत ही वेपन्स बचे हैं पीछे की साइड में। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल यहाँ से मैंने सारे के सारे वेपन्स ले लिए हैं जो जो हमारे काम आने वाले हैं। फटाफट से गाइस अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से ऊपर, अपनी गाड़ियों में बैठ कर हम लोग जल्दी से जाने वाले हैं फरारी के शोरूम पे। वैसे उस शोरूम की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं मालूम, बट हाँ इतना आइडिया है कि वो शोरूम एयरपोर्ट के बाहर है। बट यार एक सेकेंड, यहाँ पर जितनी अपने पास गाड़ियाँ थी वो भी टेररिस्ट ने फोड़ डाली। भाई ये तो बहुत गलत सीन हुआ, अपनी रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी उरुस तो चोरी हो ही गई थी, और अभी जो बची कुछ गाड़ियाँ थी ये भी इन लोगों ने जला दिया है। तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता। वैसे यहाँ इनको भी कहाँ से ही मालूम पड़ेगा यार, किसी ने अभी देखा होगा बाहर से तो कॉल करी है, और जितनी भी आग वाग लगी है ये सारी उन्होंने बुझा दी। भाई
तीनों गाड़ियां गई अपनी लैम्बोर्गिनी सियान, लैम्बोर्गिनी टार्जो और कॉनिसैक जस्को। भाई इतनी ज़्यादा ये आग तो बढ़ते ही जा, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ट्रेवर भी ऊपर नहीं आया यार, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई दूसरी गाड़ी ले लेंगे जो अपनी बाहर खड़ी करी हमने लाके। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मैं ट्रेवर को मना कर रहा हूँ कि यार तेरे को लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपना चुपचाप आराम से गाड़ी में सेफ बैठी हो। बट ये इसको इस टाइम पे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है ना भाई, मेरे को तो लग रहा है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, टेररिस्ट को अकेले ही मार डालेगा। चलो कोई नहीं फिलहाल, हाँ दोनों चलते हैं, अभी मजाक बिल्कुल नहीं। वहाँ पर जाकर हमें पहले शोरूम को सेव करना है और अभी मैं ना ट्रेवर को भी अपने साथ लेकर लिबर्टी सिटी जाने वाला हूँ, क्योंकि लॉस सैंटोस अपने लिए तो सेफ था ही नहीं, अब इसके लिए भी नहीं है, क्योंकि भाई मिनी मद्रासो ने हमें मारने के लिए घर पे घुंडे भेजे और उनके हाथ लग गया ट्रेवर और वो लोग ट्रेवर को लपेट के चले गए। बट सही है कि ट्रेवर बच गया, पर काफ़ी ज़्यादा दुख है, अपना गार्डनर मारा गया और उससे भी काफ़ी ज़्यादा दुख है अपना, यार वो बेचारा प्यारा डॉग, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो भी मारा गया। इन सब का बदला लेंगे बट टाइम आने पे, अभी नहीं। तो ओके गाइस लेट्स गो, हम लोग अपनी गाड़ी लेके उस शोरूम पे पहुंच चुके हैं, ट्रेवर भी अपने साथ गाड़ी में फुल रेडी बैठा हुआ है और हमें ना उन टेररिस्ट को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जहां तक मुझे याद है वो फरारी का शोरूम यहीं कहीं पर तो था, बट आज नजर ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। ओ वेट, सामने देखो भाई कितनी डेंजरस आग लगी हुई है और यही है वो फरारी वाला शोरूम जहां पर गुंडों ने अटैक करा है। बट इधर तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस सीन लग रहा है, नीचे की तरफ में भाई काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट हैं, बस बस में भी आग लगी हुई। वो भाई साहब वहाँ तो बहुत डेंजरस ब्लास्ट हुआ है बस में, मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा, बट ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। भाई सामने बोर्ड भी लगा हुआ है इस फरारी के शोरूम का, मतलब यार इतना तगड़ा शोरूम खोला था और यहाँ पर तो टेररिस्ट ने अटैक करा है सीधा। अगर अभी हमें वहाँ पर वैसे अकेले जाकर हम लोग कर क्या लेंगे, हम दो ही लोग हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं यार, ये वाला हाईवे बेकार है। अभी ना हमें वो जो पीछे वाले हाईवे है ना वहीं से डायरेक्ट अपनी गाड़ी को या फिर हमें खुद ही नीचे जंप मारनी होगी, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है, वरना शोरूम में आग तो लगी गई है, इसे पूरा जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला यार। ये गाड़ी परेशान कर रही है, इतनी छोटी सी गाड़ी है ना, इसको लेके कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है कि मैं ले जाके डायरेक्ट उनमें ठोकूं या नहीं। हाँ तो आगे थोड़ा सा स्पेस है, हम लोग यहीं से अपनी गाड़ी को नीचे जंप करा देते हैं एकदम प्यार से, बस ये गाड़ी फूटे ना यार प्लीज़। ओके सेफ लैंडिंग, अभी हम दोनों को एकदम सेफली वहाँ पे जाना है, हम लोग बिना कुछ सोचे समझे फालतू में फायर नहीं करेंगे, क्योंकि भाई पता है ना अगर एक भी गलत सीन हुआ तो भाई जिस तरीके से शोरूम जला है ना उस तरीके से लोग हमें जला डालेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना घुमा के लेके चलता हूँ बैक साइड से। भाई साहब कितना ज़्यादा डेंजरस सीन हो रखा है भाई, इधर पूरी जगह जली हुई है। हाँ तो ये जगह अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, हम लोग यहाँ पर आकर ना इन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, शायद उन टेररिस्ट ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। फटाफट गाड़ी से बाहर निकलते हैं यार, मैं ना फटाफट से इस दीवार का कवर ले लेता हूँ यहाँ पे। और भाई साहब इस फरारी के शोरूम में तो इन टेररिस्ट ने बहुत ज्यादा खतरनाक आग लगा दी है और चारों तरफ से शोरूम को घेरा हुआ। और एक सेकेंड, ये ट्रेवर कहाँ पर जा रहा है भाई अकेले अकेले, ये भाई इसका दिमाग खराब हो रखा है, पता नहीं ये क्या ही चाह रहा है। भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इस टाइम पे उन लोगों ने ट्रेवर को देख लिया तो, क्योंकि सीधी सी बात है भाई ट्रेवर अपना वहां पे जाके बैठ गया है। वे क्या ये बंदों को चुप बेलो भाई, मुझे पता था ट्रेवर हमेशा ही ऐसे करता है भाई। अभी ट्रेवर को चारों तरफ से इन लोगों ने गंदा घेर लिया है, मुझे आगे बढ़ना होगा भाई, यहाँ पर जितने बंदे हैं ना सबको मारते हुए मैं आगे जाऊंगा। मैं भी कवर ले लेता हूँ वरना मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मारी ऐसी की तैसी निकलो यहाँ से, रुक जाओ भाई, मेरे पास तो एक तो ना कोई भी बॉम्ब नहीं है वरना इनकी सारी गाड़ी फोड़ देता। ओ भाई ट्रेवर के बगल वाली, ओ वेट भाई पीछे की तरफ में सारे बंदे जिंदा हो गए, कवर लेके आराम से चलो के लड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करा रीलोड, बंदा आ रहा है सामने से, ये भी भाई इसके लगी नहीं रही गाड़ी की वजह से, अब बोलती रही ऐसे की तैसी गया ये तो। आगे की तरफ में एक बंदा हो रहा है, ये भी डाउन, कवर ले लेता हूँ भाई। यहाँ पर काफी सारे बंदे आ चुके हैं भाई, वेट यहाँ पर इतने सारे, वेट मेरे को पीछे जाना होगा भाई, यहाँ पर भी हम लोग नहीं टिक पाएंगे शायद से पुलिस भी। ओ भाई ट्रैवर कहाँ चला गया यार, रुक जाओ एम्बुलेंस आ चुके हैं इस टाइम दूसरी साइड से, और यही है वो बस जिसको इन लोगों ने जलाया था। भाई साहब इतनी डेंजरस आग लगी हुई है शोरूम में, ये किस गाड़ी से शोर आ रहा है यार, इसको बंद करो इस गाड़ी को। ओके वो आ रहा सामने से टेररिस्ट, इसको भी हमने डाउन कर दिया है। और भाई ट्रैवर की स्ट्रैटेजी से तो सारे बंदे मारे गए, बट नहीं यार
अभी काफी सारे बंदे हैं जो कि शोरूम से निकल निकल के भाग रहे हैं, शायद वो सारे शोरूम के एम्प्लॉय हैं। अभी हमें जल्दी से ना अंदर चलना होगा। ट्रैवर भाई मेन गेट से ही चलेंगे मेरे हिसाब से, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके गाइस, तो अभी ना अपने साथ ट्रैवर भी आ गया है और शोरूम के अंदर भी काफी सारे यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं वो छुप छुप के बैठे हुए हैं। और अभी टाइम आ चुका, उधर कहाँ देख रहा है भाई, ट्रैवर को मारने जा रहा था पर दूसरी साइड से आकर मैंने इसके बचा डाले। अभी फटाफट से ना गाइस हम लोग चलते हैं शोरूम में, यहाँ पर जो जो बंदे छुप के बैठे हुए हैं इनको मारने की भी बारी आ चुकी है। तेरी ऐसी की तैसी हमें मारेगा क्या तू? वैसे गाइस एक बारी आप लोग इस तरफ में देखो, कितनी ज्यादा तगड़ी तगड़ी गाड़ी खड़ी हुई है। वेट भाई, मैं बोल ही रहा था कितनी तगड़ी तगड़ी गाड़ी है और तभी सारी गाड़ियों में आग लग गई। भाई भाई ओ तीरी, यहाँ पर भी पीछे एक बंदा छुप के बैठा हुआ। तीरी निकल यहाँ से। तो यार इन लोग को मारने के लिए ना मुझे दूसरी साइड से आना होगा और वो देखो भाई पीछे ट्रैवर आ गया, इनके ऊपर बॉम्ब डाल दिया उसने आके। और लो भाई इनके साथ तो बहुत ही गंदा स्कैम हो चुका है। बट हाँ अभी भी यहाँ पर काफी सारे बंदे हो सकते हैं अंदर छुपे हो। शोरूम में तो पूरी आग लग चुकी है, जो बची कुछ गाड़ियां थी वो भी गंदी ब्लास्ट हो गई है, पर अंदर अभी भी बंदे बचे हैं। वैसे यार देखो मुझे लग तो नहीं रहा है कि अंदर कोई होगा, बट हाँ यार फिर भी एक बार ट्रैवर के आने का वेट करते हैं। ये इतनी से इतनी दूर भाग कर आया और इसे बंदों ने मार दी। भाई साहब कोने में छुप छुप के भाई छुपे पड़े हैं सारे के सारे अंदर वाले रूम में। और यार कितना ज्यादा बढ़िया फरारी का शोरूम बना रखा है ना यहाँ पे, बाहर से कहां से आ रहा है बे पता ही नहीं है इसको। वेट सामने भी एक बंदा कवर लेके, अभी ना ज्यादा चोरने होने की जरूरत नहीं है, आराम से कवर ले लेके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। पूरी M249 रख रख के मैंने उसके बजा दिया है, उठने भी नहीं दूंगा। लेट्स गो भाई, उसके अंदर बहुत जान है भाई, तगड़ी आर्मर पहन के बैठा हुआ है। रुक जाओ वो भाई, अभी ना हमें दोनों को निकल के उसे मारना पड़ेगा। 3 2 1 लेट्स गो। आवा वहां पे सिलेंडर है, वहां पे सिलेंडर है, उसमें अगर वो तेरी पीछे 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 पीछे, वहां पे तो काफी सारे बंदे हैं। मुझे लग रहा था 3-4 बंदे ही हैं जिनसे मैं बच के चलना है। यहाँ पर भी एक और बंदा है, इसके तो तुरंत पड़ेगी निकल यहाँ से। ये भी गया, ये वाले को भी हमने मार दिया है। और इस साइड पे जितने बंदे थे उन सबको ट्रैवर ने मार डाला है। भाई इतनी ज्यादा महंगी महंगी कार, अब वो भाई वेट वहां पर ट्रैवर ने ग्रेनेड फेंका है और गाड़ियों में आग लग चुकी है। एक तरीके से फायदा भी है पर एक तरीके से नुकसान भी है, क्योंकि गाड़ियां फट गई है भाई। और फायदा इस चीज का भी, हमें इनसे लड़ना नहीं पड़ेगा। ये ऐसी की तैसी निकले यहाँ से, एक यही बचा था लास्ट चांस से, नहीं इस वाले रूम में एक बचा हुआ है। M4 की एमो खत्म हो गया, अभी मेरे को पिस्टल निकालनी चाहिए। आओ भाई कौन सा है कोई? सारे गए, तू एक और ले। तेरी ऐसी की तैसी, सारे मारे जा चुके हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। गाड़ियाँ भी फट गई, ये वाली गाड़ी सेफ है, अंदर वाले रूम में तो कोई भी नहीं है। भाई साहब कितने ज्यादा टेररिस्ट हैं यहाँ पे। चलो यार अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। गाड़ियां तो काफी सही से खड़ी है। ओ भैंस की, बाहर की तरफ में तो काफी ज्यादा टेररिस्ट आए हुए हैं, वो भी RPG लेकर। ये शटर बंद ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। भाई भागो यहाँ से, एक गाड़ी बची हुई थी वो भी इन लोगों ने फोड़ दिया है। ओ तेरी, भाई रुक जाओ यहाँ पर छुपना पड़ेगा, ये तो भाग के अंदर। ओ भाई ये पक्का एल रूबियो के बॉडी गार्ड्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुका अपने सभी टायर्स लेकर। जल्दी से पीछे एक मैक्लारेन खड़ी है, उसमें बैठकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नहीं 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 भाई, ड्राइवर गाड़ी में बैठ, हम लोग इन्हें नहीं मार पाएंगे। वेट भाई अपनी वाली गाड़ी में भी आग समझ लो लगी चुकी है, इसको पानी में कुदाना होगा जल्दी से वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई 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 ये गाड़ी फूट जाएगी जिस तरीके से इसमें आग लगी है। पानी 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 पानी, पर पानी में कुदाने के बाद गाड़ी चलने लायक भी तो नहीं रहेगी, चलती गाड़ी से कूदना होगा। 3 2 1 लेट्स गो। अपने पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस गाड़ी को जाने दो। ट्रैवर शायद से गाड़ी में ही रह गया, गाड़ी से कूदा, मुझे तो पता ही नहीं चला ट्रैवर। ओके ट्रैवर कूद गया है, ये वाली गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलते हैं। भाई ये पक्का एल रूबियो के बॉडी गार्ड्स हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। सारे के सारे लोगों ने फील्ड बिठा रखी थी कि ओ वेट वेट वेट, गाड़ी से आग बुझ गई, अब वापस उसमें, वापस उसमें जल्दी से। और एक गाड़ी वहाँ पर बची हुई थी ढंग की, मैं सोच रहा था कि इसको ले चलेंगे, पर पहले खुशखबरी दे देते हैं अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड को। बट अभी तो हमारे साथ ही बहुत गलत सीन हो चुका है, फटाफट यहाँ से भागते हैं। और मेरे को नहीं पता भैया अभी हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस अभी तक तो मैं छुप छुप के भाग रहा था, बट अब टाइम आ चुका है इन लोगों को घुस के मारने का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार झटके से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। यार देखो अपना जो लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड है ना, वो वहां से अपनी पूरी की पूरी फोर्स लेकर लॉस सैंटोस पहुंच चुका है और वो कह रहा है कि तुम बस मुझे बताओ कि बंदे कहां पर हैं। तो फटाफट से ना पहले मैं उनके पास चलता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें कह दिया मैं खेले नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही मैं चलने वाला हूँ। अब देखते हैं भाई कितनी फोर्स ये लेकर आया, क्योंकि सामने एल रूबियो के बंदे हैं। और भाई साहब
एक बारी देखो इधर एक टैंक है और पीछे शेन बोर्ग टैंक है बड़े वाला जिसके अंदर काफी तगड़ी गन लगी हुई है और बस बस क्या ट्रक ट्रक भर के आए भाई यहाँ पर तो बंदे ही बंदे। फिलहाल हाँ जल्दी से हम लोग अपनी ना गाड़ी यहीं पर खड़ी करते हैं, ये गाड़ी किसी काम की नहीं है। जल्दी से हम लोग टैंक में बैठते हैं और इन लोग को उस जगह पे लेकर चलते हैं जहाँ पर एल रूबियो के बॉडी गार्ड हैं। लेट्स गो, अब बताते हैं उन्हें कि आखिरकार हम लोग क्या चीज़ है। चल भाई ट्रैवर तू भी आजा आराम से अपना। ओके ट्रैवर भी काफ़ी खतरनाक जगह पर बैठ चुका है। अब ट्रैवर ये ऊपर वाली गन कंट्रोल करेगा और मैं टैंक चलाऊंगा और टैंक का ये जो आरपीजी रॉकेट लॉन्चर वाला है इसको मैं कंट्रोल करूंगा। बाकी तुम लोग भी आ रहे हो ना। ओके भाई साहब अपने साथ एक ट्रक भर के बंदे हैं और दूसरी जो गाड़ी है उसके अलावा वो तो भाई काफ़ी ज़्यादा एपिक है। वो समझ लो भैया वो तो लॉस सैंटोस को खतरा है उस गाड़ी से, मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। फिलहाल हाँ अभी जल्दी से ना हम लोग उस जगह पे चलते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो लोग वहाँ से भाग जाएं। वैसे हो सकता है कि क्या पता वो हमारा पीछा करते करते यहाँ पे पहुँच जाएं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने टैंक को एक शॉर्टकट रास्ते से लेकर उस जगह पे पहुँचने वाला हूँ। मैं इस फरारी के शोरूम पे पहुँचने वाला हूँ जहाँ पर उन सभी टायरिस्ट ने अपने ऊपर अटैक करा था। बाकी ट्रक किसने लगा रखा है बीच रास्ते में, हटाओ इसे। ले आओ भाई जल्दी से गाड़ी नीचे से निकाल के, एक मिनट रुक जाओ इसको मैं, ये क्या हो रखा है यहाँ पर इतने सारे ट्रक गिरे हुए हैं, इसको भी हटाओ। पूरा रोड मुझे यहाँ पे खाली नजर आ रहा है। हाँ तो अभी इनकी गाड़ी आराम से आ जाएगी। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल ये लोग अपनी गाड़ियां जो है पीछे वाले रास्ते से घुमा के ले आए हैं। अभी फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा फरारी के शोरूम पे। बट एक सेकेंड, ये जो सामने बंदे खड़े हैं यही तो है डगन बॉस के, सॉरी एल रूबियो के बंदे, और अभी इनको मारना बनता। ओ तेरी भाई 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 वेट, इनके पास तो काफी ज्यादा खतरनाक आरपीजी है। मुझे अपना टैंक पीछे करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ वेट भाई तुम लोग कहाँ रह गए यार। तो भाई साहब ये सारे के सारे इस टाइम मेरे ऊपर हावी हो चुके हैं। ये लोग भी अपनी बस लेकर इधर आ गए हैं और सीधा आगे ले जाकर ठोक दिया है। एक एक गाड़ी फोड़ डालेंगे, चल तेरी ऐसी की तैसी। ड्राइवर भी अपना गाड़ी से उतर कर जा चुका, वो देखो भाई ड्राइवर टैंक से उतर गया भाई तुरंत। उसको पता है वो अकेले यहाँ पर इन सबसे भिड़ लेगा। हमारी भैंस की टांग पूरी की पूरी फोर्स गाइस जा चुकी है इस टाइम पे एल रूबी और डगन बॉस की, क्योंकि ये भी एक अकेले बंदे की नहीं है, दोनों अपनी फोर्स लेकर आए हैं और अपने बंदे भी पीछे वाली साइड पे फुल फैल चुके हैं। लेट्स गो, निकल यहाँ से तू। एक सेकेंड, तू तेरे से आग बुझवाता हूँ मैं, तुम भी निकलो यहाँ से। अभी यहाँ बहुत गंदी लड़ाई हो चुकी है, शायद से कुछ गिने चुने बंदे बचे हैं, इनको भी हम लोग अभी गंदा मारने वाले हैं। भाई अपने भी यहाँ पर काफी सारे बंदे मर गए हैं और भाई ये देखो अपना टैंक, अपना टैंक ही चलना बंद हो गया, इसमें से बुलेट चलनी पे हटाना इसको। ओ तेरी, मेरे में ही लागे ठोक दी इसने, पीछे कर इसको। अपने टैंक से फायर तो हो रहा है पर टैंक चलना बंद हो गया। भाई ये देखो पूरा टूट चुका है और पहली बार ही मैंने ऐसा सीन देखा है कि किसी ने टैंक ही फोड़ दिया हो। भाई साहब इन लोगों की इतनी ज्यादा फोर्स मारने में हमें 5 मिनट भी नहीं लगे, सीधा टैंक लेकर आए और धड़ाई धड़ यहाँ पर जितने बंदे थे सबको उड़ा डाला। आज जैसे ज्यादा बंदे तो बेचारे अपनी गाड़ी के ब्लास्ट की वजह से मर गए। वैसे असली कमाल इस टैंक का है, अगर ये ना होता ना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती। वैसे ये लोग भी फुल प्रिपरेशन के साथ थे, सबके पास आरपीजी थी। और वेट इसको तो मैं भूल ही गया था, इन लोगों ने इस टाइम पे एल रूबियो को भी पकड़ लिया है। और भाई पहचाना मुझे, भाई साहब ये डायरेक्टली बाग के पीछे आ गए थे। ट्रैवर भी अपना फुल रेडी रहता है हमेशा, इनकी एक बस पीछे खड़ी है जिसमें से काफ़ी सारे अपने बंदे मारे गए हैं। बट हाँ मेन बंदा अपने हाथ लग चुका है, तो भी इसका क्या करना है मैं इससे पूछता हूँ। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ना तुम फटाफट से ना इसको किसी सीक्रेट बेस में लेकर जाओ और वहाँ पर ले जाकर ना इसको छुपाओ। ये अपने गाड़ी कैसे लॉक करी बे तूने, रुक जा। इसको लग रहा है कि ये गाड़ी लॉक कर देगा तो हम लोग खोल नहीं पाएंगे। चल भाई फटाफट से गाड़ी के अंदर घुसो, और ट्रैवर भी बिना इसके बगल में ही जाकर बैठने वाला है। तो इस टाइम पर जो अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड है ना ये जाने वाला है फरारी वाले शोरूम में, ये देखने के लिए कि आखिरकार वहां पर अभी और गुंडे बचे हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं बचे तो कितनी गाड़ियां अपनी सेफ हुई है। और कुछ कुछ इसके बॉडी गार्ड्स अपने ही साथ आने वाले हैं। बट हाँ अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जल्दी से जल्दी किसी सीक्रेट बेस में ले जाकर एल रूबियो को छुपाना होगा, क्योंकि अगर एल रूबियो अपने पास है तो डगन बॉस खुद ही चलता हुआ अपने पास आएगा, वो भी माफी मांगने, क्योंकि अभी इन दोनों भाइयों की दोस्ती हो चुकी है और अगर एक भाई मरेगा तो दूसरे भाई को तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा ना यार, फिर ठीक है। और अगर वो फिर भी नहीं आता है तो हम लोग एल रूबियो को गंदे वाला टॉर्चर करके इसे परेशान कर सकते हैं और डगन बॉस के सारे सीक्रेट इसके थ्रू बाहर निकलवा सकते हैं। वैसे गाइस ये एल रूबियो अपने साथ कितनी ज्यादा डेंजरस गाड़ी लेके घूमता है, मतलब कि यार अगर सामने कोई बंदा आ गया ना
तो उसकी गाड़ी चूरा हो जाएगी अगर इसकी गाड़ी से टच कर गई तो। वही मैं इतनी देर से सोच रहा था कि जब मैं अपने टैंक से फायर कर रहा था तो सारी गाड़ियां वहां पे ब्लास्ट हो गई, बट इसकी गाड़ी कैसे रह गई। और अब मुझे समझ आया कैसे रह गई। अगर कोई गाड़ी ओके तो यहाँ पर देखो कितनी सारी गाड़ी खड़ी है, अगर इसकी गाड़ी से किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी जाए ना तो ये हाल होगा सामने वाले बंदे की गाड़ी का। वो तो अच्छी बात है कि अपने पास टैंक था, जिस वजह से इसकी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी गाड़ी पे आकर टक्कर मारने की। वरना ये चाहता ना तो अपने पीछे जो बस थी, जो टैंक था और जो शेन बॉर्ग ट्रक था जिसके ऊपर अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड था, वो चाहता तो इस गाड़ी से तीनों को यूं चुटकियों में उड़ा देता। तो गाइस देखो, अभी ना हमें एल रूबियो के लिए कोई सीक्रेट बेस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड है ना भाई साहब, उसने एक बैकअप फोर्स का भी इंतजाम करा हुआ था और वो कह रहा है कि तुमने इसको लेकर सीधा यहाँ पर आ जाओ, हम लोग इसे उठाकर ले जाएंगे लिबर्टी सिटी और वहाँ पे ले जाकर अच्छे से पूछताछ करेंगे कि आखिरकार डगन बॉस के क्या क्या सीक्रेट है और उसको मारने के लिए हमें क्या करना होगा। फिलहाल हाँ, उस जगह पर भी मैं पहुँचने वाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर हमें और जाना है। वैसे पूछताछ तो अभी ही हम लोग इससे चालू कर देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें डगन बॉस को मारने में भी टाइम लगेगा। और यही है वो जगह जहाँ पर अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड ने हमें मिलने के लिए बुलाया। वो कह रहा है कि वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच रहा है और उसकी बैकअप फोर्स यहाँ पर खड़ी हुई है, अगर कोई प्रॉब्लम होती ना उस जगह पर तो ये भी पहुँच जाती, बट इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हमारा ही वेट कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को अंदर लेके चलते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठकर लिबर्टी जाएंगे। बट उससे पहले हम लोग इसको ना गाड़ी से निकाल के पूछताछ करते हैं, और पूछताछ तब तक करेंगे जब तक अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड यहाँ पर आ नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है इस जगह को, तो अभी ना जल्दी से हम लोग इसको भी पहले ना गाड़ी से बाहर निकालते हैं। आ जा भाई, अब चुपचाप से हमारे साथ ही चलियो, ठीक है ना। तो गाइस अभी तो एल रूबियो की बहुत ज्यादा गंदी हालत खराब हो चुकी है। चल भाई चल, बहुत हो गया, फटाफट से अभी अंदर चलो मैदान में। भाई इसको हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर भी पकड़ कर ले आए हैं। चारों तरफ से अपने लिबर्टी सिटी वाले फ्रेंड ने इस एरिया को अपने बॉडी गार्ड के थ्रू घिरवा रखा है, और अगर अभी ये यहाँ से भागना भी चाहे तो इसके लिए इम्पॉसिबल है। इसको भी गन भी पकड़ा दी ना, ये बेचारा तब भी नहीं भाग पाएगा। एक बार ही आप लोग खुद देखो भाई, चारों तरफ भरे पड़े हैं भाई वाइट वाइट कलर की ड्रेस के साथ अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड के बॉडी गार्ड। और इतनी तो उसकी कुटाई भी नहीं हुई है जितनी बुरी है चलने की एक्टिंग कर रहा है। इधर तेरी ढंग से चल भैंस की टांग, उठ उठ उठ, टाइम नहीं, जल्दी उठ जा। इतनी तेज तो मारा भी नहीं, अभी इससे ज़्यादा कुटाई होगी लिबर्टी में, वो भी पीटेगा अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, बाकी ट्रेवर अपने साथ है ही गन लेकर, अगर कोई ये चलाकी करता है तो उसके साथ बहुत ही गलत होगा। अबे जल्दी चलना, इतना टाइम क्या लगा रहा है, फटाफट उठ जा, फटाफट से उठ जा, प्यार से। इस टाइम इसकी हिम्मत भी नहीं है कि घूर के भी देख लें, फिर घूर रहा है, चल। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल एल रूबियो से पूछताछ करते करते काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। बड़े यार, ये ना हमें डगन बॉस के बारे में कोई भी सीक्रेट नहीं बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, जब अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड इसको लिबर्टी ले जाके पीटेगा ना, तब इसको पता चलेगा। एक काम करता हूँ, मैं उससे ना फ़ोन करके पूछ ही लेता हूँ आखिरकार वो कहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई अभी तक आया नहीं। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल उससे कॉल पे बात हो चुकी है, और वो कह रहा है कि बस ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में वो भी यहाँ पे पहुँच रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी इसको पीटेंगे। और एक सेकेंड, ओ भाई साहब, पीछे से हेलीकॉप्टर वगैरह लेकर कौन आ गया। वेट, मेरे को पता है क्या लग रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसके अंदर भाई डगन बॉस की और भी आर्मी यहाँ पर आ गई है, और सामने कुछ बंदों ने लड़ना शुरू कर दिया सीधा। ओ भाई साहब, ये अटैक भी भाई साहब मेरे को लग रहा है हेलीकॉप्टर के ऊपर से हो रहा है, पर यहाँ पर मेनली मार कौन रहा है, हेलीकॉप्टर के अंदर तुम्हें कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा है। हेलो, उड़ा कौन रहा है ये हेलीकॉप्टर। ओ वेट, तो गाइस देखो, अभी ना इसे एक हेलीकॉप्टर ने अपने सारे के सारे बंदे यहाँ पर मार डाले हैं, और वेट यहाँ पर पीछे की तरफ में भी काफ़ी सारे बंदे आ गए। ओ भाई साहब, अपनी जो बाकी बची कुची गाड़ियाँ थी वो भी यहाँ पे फूट चुकी है, और ये हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा मजबूत है भाई साहब, फूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। गिनती के थोड़े बहुत बंदे यहाँ पर और बचे हैं, इन्हीं के साथ मुझे रहकर यहाँ पर जो बाकी, ओ भाई साहब, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी सारे टेररिस्ट यहाँ पर आ गए हैं। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि इस हेलीकॉप्टर में बैठूँ और यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड भी आने पहुँचा है, और अपने बंदे ये देखो भाई एक एक करके सारे डाउन होते जा रहे हैं। वहाँ पर ट्रैवर भी अपना लगा पड़ा है भाई साहब, हेलीकॉप्टर में से चल रही है, लग रहा बहुत खतरनाक बुलेट। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल हम लोग इन लोगों से लड़ने में तो बिजी हो गए हैं, आगे की तरफ में काफी सारे बंदे हैं, और इनके चक्कर में हम लोग एल रूबियो को तो भूल ही गए भाई, उसको भी चल के देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना होगी भाई वो अपना पीछे से निकल के भाग गया हो। भैंस की टांग, यहाँ पे बम किसने लगा रखे थे पूरे,
ओ भाई। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ट्रेवर और मैं दोनों के दोनों बेहोश हो चुके हैं, और उससे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि एल रूबियो भी बेहोश हो गया है और उसके बगल में जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी बेहोश है, और अगर उसको होश आया तो वो शायद यहाँ से भाग लेगा क्योंकि अगल बगल में जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी बिजी हो रखे हैं और अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड का कोई अता पता नहीं है। बट ये हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर कौन आ गया? ओ भाई साहब, इसके अंदर तो डगन बॉस है। मुझे अच्छे से मालूम था कि ये पूरी हरकत डगन बॉस की है, बट उसके साथ में लेस्टर भी है। पूरे डगन बॉस अभी एल रूबियो को बचाने के लिए यहाँ पे आ चुका है। यार ये अपना लिबर्टी सिटी वाला फ्रेंड कहाँ पर रह गया है? डगन बॉस ने एल रूबियो को उठा लिया है और वो अपने हेलीकॉप्टर में उसको लेकर यहाँ से निकलने वाला है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई इस टाइम पर अपनी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और जो चीज़ हम लोग नहीं चाहते थे वो यहाँ पर हो चुकी है। ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर हमारी आंखों के सामने हमारे आगे से निकल गए हैं, और अब लिबर्टी वाला फ्रेंड इसका पूरा जिम्मेवार है भाई, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा देर कर दी भाई यहाँ पे आने में। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि सारी गलती किसकी है जिस वजह से एल रूबियो हमारे हाथों में आके एस्केप कर गया। और हाँ यार, चैनल पर जो भी न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।